Hello students, myself Rakesh Mishra. This is part 2 video lecture of third sample paper. In part 1st video lecture of this sample paper, you have learned the revision of question number 1 to 9. Myself Rakesh Mishra led back over the second part of third sample paper. This is all about matter of class 11th subject biology. And I am going to explain the question number 9 onward, that is question number 10. Now back to the question and revise it thoroughly. The last question of previous video lecture was, what do you understand by the sporogenetic meiosis, and it is similar to the zygotic meiosis. कह रहा है स्पोरोजेनेटिक मियोसिस क्या होता है, इसको जायोटिक मियोसिस के साथ लिंक करके इसको लास्ट वीडियो लेक्चर में बताया था. मियोसिस बेसिकली दो टाइप के होते हैं. मियोसिस उसी में होते हैं जो डिप्लॉयड सेल्स होते हैं. तो स्पोरोजेनेटिक मियोसिस स्पोर बनाने के लिए होता है, और जायगोटिक मियोसिस एम्ब्रियो बनाने के, गैमिट बनाने के लिए होते हैं. हालांकि दोनों में बहुत फर्क नहीं होता है, फिर भी डिप्लॉयड सेल्स में ही होते हैं, चाहे वो जायगोटिक मियोसिस हो चाहे वो स्पोरोजेनेटिक मियोसिस हो. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन सेलुलर रेस्पिरेशन बोथ एरोबिक एंड एनएरोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन रिलीज एनर्जी. कह रहा है कि सेलुलर रेस्पिरेशन के थ्रू दोनों एरोबिक रेस्पिरेशन, कह रहा है कि सेलुलर रेस्पिरेशन में बोथ एरोबिक और एनएरोबिक दोनों तरह के प्रोसेस में क्या होता है, एनर्जी रिलीज करता है. विच ऑफ देम रिलीज मोर एनर्जी टू बी यूटिलाइज बाई द सेल. अब यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि सेलुलर रेस्पिरेशन में कोई अगर सेलुलर रेस्पिरेशन हो रहा हो, ठीक है, तो उसमें एरोबिक और एनएरोबिक दोनों तरह के रेस्पिरेशन होते हैं. एरोबिक के थ्रू भी एनर्जी निकलती है, एनएरोबिक के थ्रू भी. ये रेस्पिरेशन नहीं है, दोनों तरह का रेस्पिरेशन होता है. तो कह रहा है कि किसमें ज़्यादा एनर्जी निकलती है, तो एकदम कोई डाउट नहीं है, एरोबिक रेस्पिरेशन में ज़्यादा एनर्जी निकलती है, 38 ATP, ठीक है, और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में 2 ATP एनर्जी निकलती है, ठीक है, ये जानना है. तो ये एग्ज़ाम में पूछा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10 है. एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन दो टाइप के सेलुलर रेस्पिरेशन हो रहे हैं, दोनों में किसमें ज़्यादा एनर्जी निकलती है, एरोबिक रेस्पिरेशन रिलीज मोर एनर्जी, ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन रिलीज मोर एनर्जी. नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे आ गए, सेक्शन सी पे. क्या पूछ रहा है, एक्सप्लेन द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन प्रोसेस ऑफ प्रोटीन इन ह्यूमन बॉडी. चैप्टर 16 का मैटर है, सिलेबस में नहीं है. 12, ड्रॉ वेल लेबल डायग्राम ऑफ शोइंग द पार्ट ऑफ एन आई. ये चैप्टर 21 का मैटर है, सब लोग ध्यान देंगे, चैप्टर 21 का मैटर है, जो सिलेबस में तो है लेकिन दो पार्ट इसके आई का, ईयर का, जो स्ट्रक्चर है साथ साथ रिफ्लेक्स एक्शन का, ये सब सिलेबस से बाहर कर दिया गया है. तो ये 12 जो क्वेश्चन है ये सिलेबस में नहीं है. 13, गिव एन अकाउंट ऑफ नेट गेन ATP ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन. नेट गेन ATP ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन का हमको फाइंड आउट करना है. अब देखो इसमें हम यहाँ पे टोटल सब का सब कैलकुलेट कर दे रहे हैं, ठीक है. एरोबिक रेस्पिरेशन के, एरोबिक रेस्पिरेशन कुछ इवेंट्स हैं. पहला इवेंट्स है ग्लाइकोलिसिस. पहला क्या है, ग्लाइकोलिसिस, ठीक है. दूसरा इवेंट्स है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन. ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, ठीक है. और थर्ड इवेंट्स क्या है, थर्ड इवेंट्स है TCA साइकिल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेब्स साइकिल. क्या बोलते हैं हम लोग, क्रेब्स साइकिल, ठीक है. तो ग्लाइकोलिसिस, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, TCA साइकिल, ये तीन अलग अलग इवेंट्स हैं एरोबिक रेस्पिरेशन की. ग्लाइकोलिसिस, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन और क्रेब्स साइकिल, ये अलग अलग इवेंट्स हैं एरोबिक रेस्पिरेशन के. तीनों में अलग अलग टाइप के ATP बनते हैं. अब आते हैं नेट ATP गेन ड्यूरिंग द ग्लाइकोलिसिस. ग्लाइकोलिसिस के थ्रू कुल जो है 8 ATP गेन करते हैं, ठीक है, 8 ATP ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस. सिर्फ आपको ATP ही पूछा है, प्रोसेस तो पूछा नहीं, दो नंबर में क्या पूछेगा. ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन 2 साइकिल, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन 2 साइकिल, इन ईच साइकिल 3 ATP, 3 ATP इन फॉर्म ऑफ NADPH,
NAD पॉजिटिव आए, NAD प्लस वन प्रोटॉन, ठीक है। मल्टीप्लाई टू की बात मैं कर दूं, मल्टीप्लाई टू जब कर दूंगी कितना आ जाएगा, 6 ATP, दो साइकिल होता है ना, दो साइकिल, एक एक साइकिल में 3 ATP, दो साइकिल में 6 ATP। अब आते हैं टीसीए साइकिल, इसकी भी दो साइकिल होती है हमारे बॉडी में, ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन करने वाले ऑर्गेनिजम्स में इसकी भी दो साइकिल होती है। एक टीसीए साइकिल में 12 ATP, ठीक है, तो दो टीसीए साइकिल में 24 ATP, तो 24 ATP ये, 6 ATP ये, 3 ATP और 8 ATP ये, तो कुल मिलाकर के 38 ATP हमारा नेट गेन होता है, ये लिख लेना कॉपी में, ठीक है। ये सब सिलेबस में है, अगर आप कहेंगे तो ग्लाइकोलाइसिस का एक वीडियो अपलोड कर देंगे, ठीक है, या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा देंगे उसका लिंक। नेक्स्ट आते हैं, गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ माउथ पार्ट्स ऑफ कॉकरोच, सिलेबस में नहीं है, हालांकि ये टॉपिक जिस चैप्टर से है वो सिलेबस में है, ये टॉपिक जो है चैप्टर 7 से है, एनाटॉमी ऑफ एनिमल्स, वो सिलेबस में है, लेकिन इसमें कॉकरोच और राना टिग्रिना की मॉर्फोलॉजी सिलेबस में नहीं है। राइट डाउन द सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, तो कुछ सिग्निफिकेंस लिख लो कॉपी में। पहला सिग्निफिकेंस है, इट इंक्रीज द बायोमास ऑफ लिविंग बींग, इट इंक्रीज द बायोमास ऑफ लिविंग बींग, इट रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन हाइट, अटेन द वेट एंड विड्थ ऑफ प्लांट्स एज वेल एज द एनिमल्स, ठीक है। नेक्स्ट, इट हेल्प टू रिपेयर द बॉडी पार्ट्स, इट इम्प्रूव द फूड चेन, एंड लास्ट वन, इन मैनी ऑर्गेनिजम्स माइटोसिस इज द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, फॉर एग्जाम्पल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स माइटोसिस इज द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो ये 5 पॉइंट्स लिखना है, बहुत ज़्यादा लिखना है, बायोमास, हाइट, वेट और विड्थ, ये सब रिस्पॉन्सिबल है, रिपेयर करता है बॉडी पार्ट्स को, और फूड चेन को थोड़ा सा हेल्दी बनाता है, ठीक ठाक बनाता है, क्योंकि फूड चेन में एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होता है, एक ऑर्गेनिज्म्स का अगर पॉपुलेशन घटता है और उसकी नेट वेट घटती है, सब सारी चीज़ें घटती है, तो आगे के जनरेशन के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, वाई द लॉन आर मूव्ड रेगुलरली एक्सप्लेन, कह रहा है कि जो लॉन होता है उसको रेगुलर काटना पड़ता है, ठीक है, और मूव करना पड़ता है। ये चैप्टर 6 का मैटर है, जब हम उसमें मेरिस्टमेटिक टिश्यूज़ पढ़ते हैं तो उसमें एक एपिकल मेरिस्टमेटिक टिश्यूज़ का कॉन्सेप्ट आता है कि लॉन को अगर हम रेगुलर अगर काटते तो इंटरकैलरी मेरिस्टम डेवलप होता है, जिससे वो और डेंस होता है, हालांकि ये सिलेबस में है नहीं तो उसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे। डिफाइन वैस्कुलर कैम्बियम, ये भी सिलेबस में नहीं है, चैप्टर 6 का मैटर। राइट डाउन द डिफरेंट बिटवीन फैसिकुलर कैम्बियम, ये भी सिलेबस में नहीं है, आपको ये भी नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। इंटरफैसिकुलर कैम्बियम एंड फैसिकुलर कैम्बियम, ये भी सिलेबस में नहीं है, यानी चैप्टर 16, ये चैप्टर 16 और 17 के मैटर सिलेबस में नहीं है, इसके अलावा 14 के मैटर सिलेबस में नहीं। ऐसे बहुत क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो सिलेबस में नहीं, उसको मैंने पिकअप नहीं करना है, ठीक है, सिर्फ उसी को पिकअप करना जो सिलेबस में है। 18 में आ जाते हैं, गिव द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ फाइलम हेमीकॉर्डेटा, अब हेमीकॉर्डेटा के बारे में कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पूछ रहा है, ठीक है। चलो, तो इसमें अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, सब लोग ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। हेमीकॉर्डेटा, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मरीन, सभी ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, समुद्री होते हैं, ठीक है। सेकेंड फीचर्स, बॉडी इज बाईलेटरल सिमेट्री, नोट कर लो कॉपी में, बॉडी क्या होता है, बाईलेटरल सिमेट्री। नेक्स्ट क्या होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक। नेक्स्ट क्या है, सीलोमिक एनिमल, ये सब सीलोमेट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लिखो कॉपी में, फिफ्थ लिखते जाओ एक एक करके, बॉडी इज साइलेंड्रिकल, क्या होते हैं, साइलेंड्रिकल, डिवाइडेड इनटू द हेड, कॉलर एंड ट्रंक, ठीक है। हेड को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोबोसिस, हेड, कॉलर एंड ट्रंक। सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन टाइप, ये भी नोट कर लो, क्लोज टाइप नहीं होते हैं। रेस्पिरेशन थ्रू गिल्स, रेस्पिरेशन कैसे होता है, गिल्स के थ्रू, ठीक है। और आगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है, सेक्सेस आर सेपरेट,
यानी ये यूनिसेक्सुअल होते हैं, यूनिसेक्सुअल, और क्या होते हैं, फर्टिलाइजेशन हेमीकॉडेट्स में एक्सटर्नल होता है, यानी कि ऑर्गेनिजम्स अपने स्पर्म और ओवा को बाहर निकाल देते हैं और दोनों बाहर बाहरी बॉडी के फ्यूज होता है, इसको कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो ये सब कुछ पॉइंट्स है हेमीकॉडेटा के, हालांकि थोड़े बहुत लिखना है, 4-5 लिखना, हमने यहाँ पे आपको ज़्यादा बता दिए। नेक्स्ट आते हैं, बेस्ड ऑन एक्सटर्नल फीचर्स एक्सप्लेन हाउ फ्लावर इज मॉडिफाई शूट। कह रहा है बेस्ड ऑन एक्सटर्नल फीचर्स एक्सप्लेन हाउ फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट। कह रहा है एक्सटर्नल फीचर्स के बेस पे कैसे बोल सकते हैं कि फ्लावर्स मॉडिफाइड शूट है। लिसन, क्या होगा, फ्लावर्स पॉजेस बोथ नोड एंड इंटरनोड, फ्लावर पॉजेस बोथ नोड्स एंड इंटरनोड। लिसन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, फ्लावर में क्या होता है, नोड एंड इंटरनोड दोनों होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या होते हैं, इट पॉजेस द लिटिल लीफ लाइक स्ट्रक्चर, मैनी ग्रीनिश लीफ लाइक स्ट्रक्चर लाइक ब्रैक्ट्स, ब्रैक्टियोल्स एंड ऑलमोस्ट ऑल सेपल्स आर ग्रीन इन कलर, एज लाइक द लीफ इट इज एरियल पार्ट्स, नो फ्लावर्स आर अंडरग्राउंड, कोई भी फ्लावर्स अंडरग्राउंड नहीं होता, इसलिए लीफ की तरह से क्या होता है, एरियल पार्ट्स होता है। एज लाइक द स्टिपल ऑफ लीफ देयर इज अ पेडिसेल ऑफ फ्लावर, जैसे लीफ ऐसे देखा होगा, लीफ में ये स्टिपल बोलते हैं डंठल को, ऐसे फ्लावर में क्या होता है, फ्लावर में एक लीफ लाइक, लीफ के जैसे जंक्शन, जैसे इसमें स्टिपल होता है वैसे इसमें क्या होता है, पेडिसेल। ठीक है, दीज आर एक्चुअली कॉमन फीचर्स दैट रिजेंबल्स बिटवीन द लीव्स एंड फ्लावर्स बाय विच यू कैन से दैट द फ्लावर्स आर मॉडिफाइड शूट। ठीक है, शूट मीन्स क्या होता है, एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। सो ये कुछ पॉइंट है जिसके थ्रू आप जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं कि फ्लावर जो है मॉडिफाइड शूट है, ये एग्जाम में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, राधा वाज रनिंग ऑन द ट्रेडमिल एट हाई स्पीड 15 मिनट कॉन्टिन्यूसली, सी स्टॉप द ट्रेडमिल एंड अब्रप्टली स्टॉप्ड आउट फॉर द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स, शी वाज ब्रीथिंग हैवीली वेरी फास्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस, वॉट मस्ट हैव हैपन्ड इन हर मसल्स वन शी डिड स्टेनियस एक्सरसाइज। कह रहा आपके मसल्स में, राधा के मसल्स में ऐसा क्या हुआ कि वो लगातार सांस लेना शुरू कर दी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिखना क्या है, यहाँ पे यही ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है, स्ट्रेनियस एक्सरसाइज का मतलब उसने एक्सरसाइज को रोक क्यों दिया, रेगुलर क्यों कर दिया, बिकॉज ऑफ द डिपोजिशन ऑफ लैक्टिक एसिड, मीन्स द मसल्स एक्चुअली आफ्टर सम टाइम द मसल्स बिगिन द परफॉर्मेंस ऑफ एन एरोबिक रेस्पिरेशन, एंड एज यू ऑल नो द एन एरोबिक रेस्पिरेशन प्रोडक्ट इज लैक्टिक एसिड, सो ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड द राधा स्टॉप द ट्रेडमिल, एंड इवन दो दे विल ऑल्सो द राधा शी विल ऑल्सो स्टॉप द कॉन्टिन्यूस रनिंग विच वॉज एक्चुअली लॉन्ग अप टू 15 मिनट। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, वाई डिड हर ब्रीथिंग रेट चेंज, क्या कह रहे हैं कि राधा की ब्रीथिंग रेट चेंज क्यों हो रहा है, एज यू नो दैट राधा अर्लियर वेरी फास्ट रेट ऑफ अर्लियर परफॉर्म द वेरी फास्ट रेट ऑफ रनिंग एंड लेटर द रेट ओवरऑल द रेट ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज द रेट ऑफ रनिंग विल बी स्लो, सो दैट एज पर द डिमांड ऑफ फिजिकल एनर्जी देयर इज अ नीड ऑफ कॉन्टिन्यूस ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इन द बॉडी, सो राधा परफॉर्म सो द एवरी पार्ट दैट इज इन फर्स्ट 15 मिनट एंड इन द लेटर 15 मिनट देयर विल बी द गैप बिटवीन टू डिफरेंट रनिंग इंटरवल, सो राधा एक्चुअली डू नॉट कॉन्टिन्यू देयर रनिंग, देयर वॉज अ गैप बिटवीन टू different events, so here you can see that the Radha do not able to perform continuous, so they have the long changes, they have the different rate of breathing during her exercise. ये बातें लिख लेना कॉपी में, राधा क्या होता है, continuous exercise नहीं कर रही है, जब continuous exercise नहीं कर रही है तो उसमें continuous breathing के rate एक जैसे नहीं है, कभी breathing की rate बढ़ जा रही है, कभी breathing की rate क्या हो जा रही है, घट जा रही है। ठीक है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन गटेशन, शॉर्ट नोट्स गटेशन सिलेबस में नहीं है ये चैप्टर,
11th का है, ट्रांसपोर्ट का मैटर है, ये सिलेबस में नहीं है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, एक्सप्लेन द काइंड्स ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अपवर्ड मूवमेंट्स ऑफ वाटर एंड ग्रेट हाइट ऑफ द, ये भी सिलेबस में नहीं है, चैप्टर 11 का ट्रांसपोर्ट का। बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ रिएक्शन कैटलाइज गिव एन अकाउंट ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ द एंजाइम। चूंकि वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए क्वेश्चन नंबर 21 के बाद यानी 22 से हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसको एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।